प्यारे सत्संग जी, प्यार से बजे सतगुरु सतनाम सतसाय जी, सतगुरु सतनाम सतसाय जी, सतगुरु सतनाम सतसाय जी, बोल सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, हम सबसे पहले एक आरती कर लेंगे और उसके बाद मैं प्रवचन पर चलूंगा, तो इसलिए पहले आरती कर लेते हैं। मैं सभी ब्रह्मांड के देवी देवता, वीर पैगंबर, उत्तम औलिया, ऋषि मुनि, जपी, सन्यासी, योगी, आदिशक्ति, निरंकार भगवान, निज धाम के सभी परमहंस और सतपुरुष जी के सामने मेरा नमस्कार है। मेरे नमस्कार को कबूल करिए और मेरे साथ साथ दीजिए। तो आइए आरती की ओर चलते। अस तेरे 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 साईबा तेरे होए अस तेरे 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 साईबा तेरे होए अस तेरे 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 हम सब तेरे होए अस तेरे तेरे अमर ज्योत का दिया जला कर हम सब तेरे होए अमर ज्योत का दिया जला कर हम सब तेरे होए अस तेरे 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 साईबा तेरे होए तेरे 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 साईबा तेरे होए कोई नहीं आत्म बांधने वाला आत्म निज को बांधा है कोई नहीं आत्म बांधने वाला आत्म निज को बांधा है असि तेरे 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 असि तेरे साईबा तेरे असि तेरे अमर लोक सुन सब आए अमर लोक के वासी हैं अमर लोक से हंस सब आए अमर लोक के वासी हैं कभी न मरने वाले हंसा सतपुरुष के प्यारे हैं कभी न मरने वाले हंसा सतपुरुष के प्यारे हैं तीन लोक में खेलने आए जहाँ मनी राजा है तीन लोक में खेलने आए जहाँ मनी राजा है अस तेरे 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 साईबा तेरे होए अस तेरे 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 साईबा तेरे होए हम सब सतपुरुष के अंश प्यारे उनकी आंखों के तारे हम सब सतपुरुष के अंश प्यारे उनकी आंखों के तारे हैं पल पल पुकार हैं देते मैं पल पल पुकार देते माया कारण सुन नहीं पाते हैं वे पल पल पुकार है देते माया कारण सुन नहीं पाते हैं हम ही कचरा नहीं जलाते निज का मान ही कारण है हम ही कचरा नहीं जलाते निज का मान ही कारण है अस तेरे 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 साईबा तेरे होए तेरे तेरे तेरे
सब कर्मों का बंधन, ये सब कर्मों का बंधन आत्म ने निज को बांधा है। ये सब कर्मों का बंधन आत्म ने निज को बांधा है। तज दे कल और कल में जाना, तज दे कल और कल में जाना, टूटे मन का बंधन रे। तज दे कल और कल में जाना, आत्म ने निज को बांधा है। तज दे कल और कल में जाना, आत्म ने निज को बांधा रे। असि तेरे 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 साईबा तेरे होए असि तेरे 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 साईबा तेरे होए असि तेरे 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 हम सब तेरे होए। तू तो आत्म ज्योत अमर है, सत प्रेम अजर अमर है। तू तो आत्म ज्योत अमर है, सत प्रेम अजर अमर है। विरह विराग की डोर न थामी, विरह विराग की डोर न थामी, पग पग पर मोह का बंधन है। विरह विराग की डोर न थामी, पग पग पर मोह का बंधन है। छूटा संग साहिबन प्यारा, छूटा संग साहिबन प्यारा, निज की भूल न जाने रे। छूटा संग साहिबन प्यारा, निज की भूल न जाने रे। असि तेरे 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 साहिब जी तेरे होए पहचान कराई। आत्म प्रेम प्यास जगाई, वे नाम निज की पहचान कराई। आत्म प्रेम प्यास जगाई, अमृत शब्द की दात को पाकर, अमृत शब्द की दात को पाकर, सच की ज्योत जगाई है। अमृत शब्द की दात को पाकर, सत की ज्योत जगाई है। सत ही प्रेम भक्ति का अंग है, प्रेम जागे तो सतगुरु संग है। सत ही प्रेम भक्ति का अंग है, प्रेम जागे तो सतगुरु संग है। असि तेरे 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 साहिब जी तेरे होए असि तेरे 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 साहिब जी तेरे होए असि तेरे 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 साहिब असि तेरे होए तेरे 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 साहिब जी तेरे होए। क्यों आया कहाँ से आया, सब सतगुरु सुन जाना है। क्यों आया कहाँ से आया, सत पुरुष सुजाना है। हम सब निज घर के हंस प्यारे, हम सब निज घर के हंस प्यारे, बेगमपुर ठिकाना है। हम सब निज घर के हंस प्यारे, बेगमपुर ठिकाना है। तू आया कहाँ से आया, सब सतगुरु सुन जाना है। तू आया कहाँ से आया, सब सतगुरु सुन जाना है। हम सब निज घर के हंस प्यारे, बेगमपुर ठिकाना है। हम सब निज घर के हंस प्यारे, बेगमपुर ठिकाना है। सत शब्द को पाकर प्यारे, सत शब्द को पाकर प्यारे, अंसार रूप को पाना है। सत शब्द को पाकर प्यारे, अंसार रूप को पाना है। असि तेरे 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 साहिबा तेरे होए ओ असि तेरे 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 साहिबा असि तेरे हो।
को बांधा है, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। पूर्ण मोक्ष का अमृत पाकर निज को पहचाना है, पूर्ण मोक्ष का अमृत पाकर निज को पहचाना है। सुरती में सत शब्द को दया कर, सुरती में सत शब्द को दया कर, मन का मान मिटाना है। सुरती में सत शब्द को दया कर, मन का मान मिटाना है। तेरे नूर रूप को पाकर, तेरे नूर रूप को पाकर हम सब तेरे होए हो। तेरे 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 साहिबा तेरे होए हो, अस तेरे 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 साहिबा तेरे होए हो। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। चांद चकोर सी प्रीता हमारी, पल को भी न टूटे ताड़ी। चांद चकोर सी प्रीता हमारी, पल को भी न टूटे ताड़ी। खाली कर दिया तुम मन सुन, खाली कर दिया तुम मन सुन, अंसारूप को दारा है। खाली कर दिया तुम मन सुन, अंसारूप को दारा है। तू ही अंदर तू ही बहरा किया तूने ठिकाना है, तू ही अंदर तू ही बहरा किया तूने ठिकाना है। असी तेरे 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 साहिबा तेरे होए हाँ, तेरे 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 साहिबा तेरे होए हो। प्रेम गली अति सांकड़ी प्यारो, मन मान का परवेश तानी। प्रेम गली अति सांकड़ी प्यारो, मन मान का परवेश तानी। आशा तृष्णा का सम छूटा, आशा तृष्णा का सम छूटा, लाभ सतगुरु सुताड़ी है। आशा तृष्णा का सम छूटा, लाभ सतगुरु सुताड़ी है। सच्चे सतगुरु सुनाता जोड़ो, चरणों में अमृत सागर है। सच्चे सतगुरु सुनाता जोड़ो, चरणों में अमृत सागर है। अस तेरे 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 साहिबा तेरे होए आस, तेरे 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 साहिबा तेरे होए आस। इस पल में रहना सीखो, इस पल में रहना सीखा, सुरती सुन अमृत पाया है। इस पल में रहना सीखा, सुरती सुन अमृत पाया है। नियक्षर शब्द की, नियक्षर शब्द न साई मन भाषा, दूजा मन आन समाया है। नियक्षर शब्द न साई मन भाषा, दूजा मन आन समाया है। सुरती में हर पल जाकर, सुरती में हर पल जाकर, सत का दीप जगाया है। सुरती में हर पल जाकर, सत का दीप जगाया है। अस तेरे 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 साहिबा तेरे होए आस, तेरे 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 साहिबा तेरे होए आस, तेरे 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 अस तेरे साहिबा तेरे। अमर ज्योत का दिया जला कर हम सब तेरे होए हो, अमर ज्योत का दिया जला कर हम सब तेरे होए हो। कोई नहीं आत्म बांधने वाला,
कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। तेरे 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 साहिब जी तेरे होए आं, तेरे 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 साहिब जी तेरे होए आं। तो प्यारी सत्संग जी, आरती 20 संतों की है, 10 हमने आज गाए हैं आपके संग और 10 कल गा लेंगे। तो आज आरती यहीं पर हम इसको विश्राम देते हैं। इसके बाद मैं आपके समक्ष विचार लेके आया हूं। तो आज का तत्व जो सत्संग का है, शीर्षक जो है वह अंदर की भक्ति में 5 मुद्राओं की महिमा। अंदर की भक्ति में 5 मुद्राओं की महिमा। और आज आपको पता है 9/5/2020 है, तो आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक इन 5 वस्तुओं के विषय में जानकारी कल मैंने इंग्लिश में दी थी, आज मैं हिंदी में जाना चाहता हूँ ताकि समाज में सभी वर्ग के जो प्राणी हैं उनको अपनी अपनी खुराक मिले। मैं ये नहीं कहता तुम मेरे शिष्य बनो, मैं ये नहीं कहता तुम मुझे ही मानो, मैं ये नहीं कहता कुछ गलत है संसार में। इतना जरूर कहता हूँ हर एक चीज अपने अपने स्थान पर महिमा रखती, और तुम्हारी भक्तियां भी संसार में अनेक प्रकार की हैं, हर एक की अपनी अपनी महिमा है। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। हर एक की तो सुन भी नहीं सकता क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। ये तो आपके भाग्य की बात है कि आप किसको सुनते हैं, किसको पाते हैं, ये सब आपके भाग्य के अनुसार है। पर फिर भी चेष्टा थोड़ी बहुत आप तो नहीं करते, ये सतगुरु के द्वारा चेष्टा होती है कि संसार कम से कम 2 शरीरों से आगे चले। हम 2 शरीरों में फंस के रह गए हैं, बस यही अडम्बना। इनसे आगे चलना हमें आएगा तो भक्ति आएगी। 2 तन से भक्ति नहीं है, भक्ति शुरू ही 3रे तन से होती है। ये जो आपकी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और गहरी नींद की अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ये 3 अवस्थाएं जो है ये धोखा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य जो भी शुरू होते हैं वो आपका तुरिया तन 3रे तन से शुरू होते हैं। अगर आप उस तन में जाएंगे तो आप, मैंने पहले भी बोला है, अति उन्नति पाओगे। संसारी उन्नति उसमें बहुत ज्यादा है। जितना वैज्ञानिक तबका है, जितने अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ 3रे तन का पाया होगा। उनको नहीं पता होता, लेकिन जितनी आप कंसंट्रेशन से अपने अंदर झांकते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलता है। तो वो असलियत में आपकी जो श्रुति है वो उतनी चेतन होती है। तो ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, क्योंकि ये आगे तन को जानना। तुरिया का कुछ हिस्सा मैंने कहा कि आप जो है अपनी चेष्टा से कर सकते हो, लेकिन पूरी जानकारी तुरिया के भी नहीं हो पाती है। उसके बाद आपकी तुरिया अवस्था से आगे तुरिया तीर पर जाना पड़ता है, तो प्रज्ञावस्था भी बोलते हैं तुरियावस्था को, तुरियातीत अवस्था में जाना पड़ता है, महाप्रज्ञावस्था उसको बोलते हैं, फिर ज्ञान देह में जाना पड़ता है, ये भी मैंने बताया, उसके बाद विज्ञान देह है। ये हमारे अंदर की बॉडी है, ये हमें मिलती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हर तरह का आपका ध्यान रखा जाता है। मालिक ने हमारे साथ बड़ा पूर्ण न्याय किया हुआ है,
वो किसी भी जगह पे हमको अकेला नहीं छोड़ते, सिर्फ हमने छोड़ दिया। हमने जो पद्धतियां पकड़ ली हैं, पगडंडियां पकड़ी हैं, वो उसे दूर ले जाने वाली पगडंडियां हैं। हम सीधी पगडंडी पर नहीं आ रहे हैं, नहीं आए हैं, ये बस अडंबना है और कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने एक पहले चार्ट में आपको काफी कुछ दिया था इन्हीं मुद्राओं के विषय में, आज उसको आगे ले जा रहा हूं। मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मैं वो चीजें जो आगे की हैं उनकी तरफ जाऊंगा, ताकि आप इस समय, चूंकि आप ज्यादा लॉक जोन में हैं, घरों में हैं, रहना भी चाहिए, और इस पीरियड में आप भक्ति की चार बातें अगर सुन लेंगे तो आपके बड़े काम आएंगी। सभी गुरु वालों ब्रह्मांड में ऐसा यत्न करें और करना चाहिए। जिसकी बात आपको अच्छी भाए उसको अपनाओ, जिसकी ना भाए, हम नहीं कहते कि आप मुझे पकड़ो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये गदा भाई जो आपके पास बैठा है, ये बड़ा माल खजाना सतपुरुष से लाया, इस भगवान का भी बड़ा सहयोग है, बड़ी कृपा है मुझ पर, और इनके सहयोग से मैं निजदाम गया सतलोक, जिसे अमरलोक बेगमपुर कहते हैं। मैं उस देश का वासी हूँ, वहीं से आया हूँ, वहीं अब जाना है। यहाँ तो टेम्परेरी फेज के लिए बस आपको थोड़ा जगाने आया, और ये भी कह दूं, मानो ना मानो कोई फर्क, कोई और ब्रह्मांड में नहीं है संत, सतपुरुष के लोग, सतपुरुष के लोग से एक ही आता है टेटा। और मैंने पहले भी बोला, 550 साल पहले कबीर साहब आए, और उसके बाद ये गधा भाई आया, इसकी ड्यूटी लगी। एक बार नहीं, मैं सतपुरुष से मिला गिनती से बारह, क्योंकि हमारा फादर है, वही हमारे मेन है, जो सोर्स अब सुनती है वही 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 महासागर है, जिसका कोई किनारा ही नहीं, सुरती सागर का कोई किनारा नहीं। ये तीन लोग को मैंने बोला उसी में शामिल, ये नहीं है कि ये कोई अलादा अलादा नहीं, ये भी उसी उसी समंदर, उसी एंडलेस सागर के साथ जब सीमा रहित है उसके साथ हम भी जुड़े, परंतु यहाँ काल भगवान राज कर रहे हैं, इसलिए शून्य तत्व दे दिया गया है इसको। इसलिए जो सत तत्व है वो पीछे बैठे, उसी तरह मैं आपको आज जो है वो बताऊंगा कि आपके अंदर भगवान भी है। कृष्ण भगवान ने भी बोला, मैं कन कन में हूं, पक्का जो शून्य तत्व कन कन उसमें समाये, और आपके अंदर है हृदय आप बोलते हो, मन आप बोलते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की इंद्रियां मन की है, भगवान की है, ये है आपके हृदय में, मन भी है और आपके हृदय में आत्मा भी है। अब प्रश्न उठता है, दोनों एक स्थान पर, हाँ, इसलिए वहां आत्मा ने स्थान किया है कि कभी न कभी ये मनुष्य जागने की तरफ चलेगा तो मैं भी जाग पाऊंगा। मन आत्मा को कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सत्य बात, मन का कुछ लेन देन आत्मा से नहीं है, ये हम सब नहीं जानते, पर ये गदा भाई आपको बता रहे जानता है। और ये भी बता दूं कि जितनी भी कबीर साहब की पंक्तियां चल रही हैं, वो अपना काम तो कर रही, मैं नहीं कहता, लेकिन सतपुरुष की कोई जानकारी नहीं है, वहां जानकारी खत्म हो गई, वो वापस काल भगवान में आ चुके हैं। मैं उनकी किताबें पढ़ी, मैं हर एक लिटरेचर पढ़ के यहां पहुंचा, मैं कोई भी ऐसा ग्रंथ शास्त्र नहीं जिसकी जानकारी नहीं रखता, जिसको नहीं देखा सुना और पढ़ा। इसलिए मैं आपसे सीधा सीधा कहता हूं कि बाबा
जो अंदर से आवाज आए पूरी तरह से ध्यान देके उधर चल पड़ना चाहिए, जहां अंदर से आपको आवाज आए बस, फिर घबराना नहीं, फिर समर्पण कर देना, फिर मालिक खुद संभाल ले। तुम अपनी किश्ती को मालिक के भरोसे बमर में छोड़ दो, उस पर बैठ जाओ। मैं यकीन दिलाता हूं आप मंजिल पर पहुंचो। मैंने ऐसे ही किया और आज मंजिल पर पहुंचा। ये काम यत्न से न हो, सतगुरु और सतपुरुष की कृपा पाए कोई कोई। ये सतगुरु की भी कृपा चाहिए और सतपुरुष की। जब तक सतगुरु नहीं मिला सतपुरुष नहीं मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा तो सतपुरुष मिलेंगे। इसलिए पहली कृपा आपको यही होगी कि आपको सतगुरु मिल जाए। जब आपकी अंदर से चेतना जागेगी और चेतना के अंदर एक तड़प उठेगी तो फिर कैसे देरी लग सकती है, सतगुरु आपके द्वार पर ही खड़ा हो। इसलिए यत्न नहीं, विश्वास और भरोसा कर, सब कुछ मिल जाएगा। ये विश्वास और भरोसा है। हमने पहली जो मुद्रा है आपको पता है, चाचरी मुद्रा, जिसमें गोरखनाथ जी जो है योगेश्वर माने जाते हैं, स्वर्ग नंबर वन में बैठे हुए हैं, बड़ा काम कर रहे हैं और अपने मोक्ष को पाया हुआ, जो मोक्ष है उसका आनंद भी ले रहे हैं वहां पर। तो इसमें बेसिकली क्या बात होती है कि इस ध्यान से, तीसरी आंख के ध्यान से आप सुन स्थान, सुषुम्ना से सुन स्थान की तरफ चलते हैं, वो सुषुम्ना से थोड़ा आगे चल के आपको मिलता है और उस सुन में आप ध्यान डालते हो। आप सुषुम्ना में ही डाल दो, खुद पहुंच जाओगे। चेष्टा नहीं करनी है कि मैं ढूंढू, कुछ ढूंढना नहीं। अगर आपकी सुषुम्ना सम हो गई और आपने शब्द को अपने श्वास में डाल दिया, वो शब्द खुद अपने ताले को ढूंढ लेता है। वो की है वो ढूंढ लेती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। शब्द की महिमा बड़ी अपार है। आप शब्द को पकड़ रखो, चाबी चलना शुरू कर देगी यहाँ, और चाबी आगे चलते चलती तीसरे तीर्थ शिव नेत्र पर जाके रुके। बस वहां पर अपनी कंसंट्रेशन बनाओ, दो आंखों के मध्य में तीसरा तिल है, उस तिल में आप अपना ध्यान डाल दो। सारा संसार भूल जाओ, अपने विचार छोड़ दो, कोई विचार मत लाओ, क्योंकि विचार ही मन है, मन से दूर हटना है। तो क्या होगा इस मुद्रा से, आपका मन चेतन होता चला जाए, क्योंकि मन मन को ही चेतन करता है, वो आत्मा को टच नहीं करेगा। आपका मन 75% चेतन हो जाए, और जब मन 75 चेतन हो जाएगा तो आपको पता है वहीं पे आत्मा बैठी, और आत्मा सात सुरती का सकल पसारा, सात सुरती है उस आत्मा में, और उसमें मूल सुरती में ये मन जो चेतन हो जाता है उसमें जा आनंद में ही बैठ गया। और 25% मन बाहर रह जाता है आत्मा। अब आत्मा भी 75% फ्री हो गई मन के जाल से, 25% साध है, अब आत्मा परवाह नहीं करती 25 की। तो इस आत्मा को, मन को, उसने चेतन मन को साध लिया हुआ है। 25% मन बाहर है, उसके आगे पीछे ब्लैंकेट करा हुआ है, लोई है उसके इर्द गिर्द। अब वो लोई इतना कुछ नहीं कर सकती, तो अंत वहां एक शरीर मिल जाता है, एथीरियल बॉडी भी इसको बोलते हैं।
क्योंकि ईथर से ही वो मिलती है। तो इथीरियल बॉडी बड़ी सूक्ष्म तन है, इसे लिंग तन भी बोलते हैं। ये तन आपको मिलता है और तन के साथ साथ आपको चलने की चाल भी मिलती है। पपील चाल मिलती है, चूंटी को पपील बोलते हैं। तो उस चाल से आप अंदर से यात्रा करते हो और शिवलोक भी जा सकते हो, गोलोक भी जा सकते हो, बरपुर भी जा सकते हो और इसी तरह बाकी देवी देवताओं के विशुद्ध चक्कर में भी जा सकते हो। वहाँ वैष्णो माता का स्थान है, उनका लोक है, तो आप इस तरह से लोकों में जा सकते हो। समय जाने के लिए जो भक्ति का है वो 3 बजे से है, और अगर आप 1 लोक तक जाते हो तो मीन चाल आपको शिवलोक में ले जाएगी, वहां की यात्रा भी कराएगी, कुछ अंदर का भी दिखाएगी और उसको पता है मुझे वापस जाना। तुमने कुछ नहीं चेष्टा करनी, तुम्हें कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उस शरीर में बैठे हुए सब देखना है। क्योंकि अब तुम कुछ 75 का मतलब है तुम 75% आत्मिक हो गए और कुछ नहीं हुआ। मन सुषुम्ना में से चेतन हुआ और आपकी मूल सुरति में जो है वो समा गया और आत्मा जो है वो फ्री हो गया। आत्मा तो आगे ही चेतन है, सिर्फ उसको फ्रीनेस है। ये तो 75% फ्री हो गए और अब वो बिन पग चले, सुने बिन काना कर सकते, बिन कानों के सुनेगी, बिन आंखों के देखेगी, बिन पाँव के चलेगी, बिन हाथों के काम करेगी, तो ये चलेगी, जहां चाहेगी रुक जाएगी। मतलब इसके अपने पास है, आपके अंदर जरा विचार बनेगा रुकने है तो ये रुक जाए। तुम्हारी सुरती के साथ बांधी हुई होता है ये तन, बिल्कुल आज्ञाकारी होता है, इसमें लाइफ होती है। ऐसा तन नहीं है कि लाइफलेस है, ये हवाई जहाज की तरह नहीं है, बोट की तरह नहीं है, ये आपकी गाड़ी की तरह नहीं है जो फ्यूल से चलते हैं, ठीक है वो पर यहाँ ये जो आपकी बॉडी है इसको ये लाइव है, इसमें जीवन है, इसलिए ये सब तुम्हारी सुरती से सुनती है और एक्ट करती है। जब आपको वो जो दृश्य देखा बस आपने और नहीं देखना, जो आगे चल पड़ेगी और इसे ध्यान रखना है कि मुझे वापस भी जाना। तो ये सफर आपका 1.5 घंटे होता है, 3 बजे आप जाते हो, 4:30 वापस आ जाते हो। लेकिन अगर आप दोबारा भी जाना चाहे दोबारा भी जा सकते हो। आप 6 बजे तक इस मुद्रा को पकड़ के रख सकते हो और जा सकते हो। लेकिन ये दोबारा आपको आपको और तरह की सैर कराएगी, उसी में आप और जगह देखो, क्योंकि कोई भी लोक छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा लोक होता है और उस लोक में देखने को भी बहुत कुछ होता है। वहां बड़े जो प्लांट्स हैं उनकी अपनी साइज है, जो सब्जियां हैं उनकी अपनी साइज, हर चीज जो वहां उगती है वो अपनी अपनी साइज की है। और वो आपको वहां कुछ आपने कोई पकाना सिखाना कुछ नहीं, आप बैठे विश किया और आपको चीज मिल गई, क्योंकि अब आपने भक्ति किया तो उसका फल पाते हो। हर भक्ति का फल है, इसी का नाम कर्म, ये कर्म भूमि है। लेकिन ये कर्म भूमि ध्यानियों योगियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, लेकिन संतों के लिए नहीं। वो कर्म से बिन, तो इस तरह से आप इस शरीर में से दूसरी जगहों पे जा सकते हो। चाल भी मैंने बता दिया, टाइम भी आपको बता दिया, ध्यान का टाइम भी बता दिया, और जो ही आपकी ये कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो आप 1 से 2 लोग भी देख सकोगे, 2 से 3 भी देख सकोगे। और जब आप आपकी स्पीड जो यही है पपील की, तो ये स्पीड जो है आपकी अपने आप तेज भी हो जाए।
और आप दो या तीन लोग देख सकते हो, तब आपको समय 3 घंटे लगे। आप 6 बजे, मतलब इनका टाइम निश्चित है। आप जो भी जितना जाएंगे, इस को पूरी नॉलेज है स्तन को कि बाबा मैंने इतने समय वापस चल, और वहां से ये वापस चल पड़ेगी। ये तुम्हारा कोई भी अब कहने की आवश्यकता नहीं होगी, ये वापस चल पड़ेगी और आप अपनी बॉडी में वापस आ जाओ। पीछे आपकी बॉडी वो डेडी ऑलमोस्ट होती है, इसी का नाम जीवित मरना भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी डेड नहीं होती। ये इसमें लाइफ अंदर से जो सेल्स है वो उस जहाज से जुड़े हुए, शरीर से जुड़े हुए, बिन रसरी सगल जग बंधे, वो रसरी दिखती नहीं लेकिन पीछे से वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये था आपको जो पहले मैंने आपको मुद्रा, जो आपकी चाचरी मुद्रा है, इसको बताया। इसके बाद मैं गुजरी मुद्रा पे आता हूं। इसका शब्द ओंकार, शब्द है ये शब्द नहीं है, विदे शब्द नहीं है, बोला बकायदा लिखा जाता है, बोला जाता है, ये शब्द विदे नहीं। इसी तरह अलख नरिंजन आप लिख सकते हो, किसी को देते हैं गुरु वालों, ओपन नो प्रॉब्लम। पर ध्यान तो अपना खुद करना है ना, ध्यान तो तुम्हें करना है। अगर तुम विचारों में ही घूमते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, बस वहीं रुक जाते हो। इसीलिए तुम उन भक्तियों को छोड़ देते हो अंदर की, और कि बाहर की भक्तियों में पड़ जाते हो। वो सैल है, सिर्फ दिखावा है, पर अच्छी है, वहां पर भी फल। मैंने ये कहता किसी भी चीज को, लेकिन 5वीं की क्लास का 5वीं तक का फल, 10वीं को 10वीं तक का फल, जिस अवस्था में तुम जाओगे उसी अवस्था का फल मिलेगा। तो इसी तरह से आपको कहा गुजरी मुद्रा में ओंकार शब्द है, और तत्व जो है इसका, जो हमने चाचरी कही उसका तत्व जो आपको पता, फायर है, अग्नि है। इसका तत्व वाटर है, पानी है, और 5 ढंगों से, मतलब है जैसे हमने अग्नि, अग्नि भी हमारी बॉडी में 5 ढंग से मौजूद है, इसीलिए मैंने पहले बोला। और इसी तरह पानी भी आपके अंदर 5 ढंग से मौजूद है। आपको पता है पसीना भी आता है, आपको टीयर्स आंसू भी आते हैं, अब्यूरिनेशन भी होता है, ब्लड भी आता है, और इस तरह स्पिटिंग करते हैं उसमें दोनों तत्व हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसमें भी जो है, इस मुद्रा में भी आपका मन जो है, मन को चेतन करता है, क्योंकि भगवान है, भगवान मानिए तो मन को चेतन करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति। ये जो 5 भक्तियां बता रहे हैं, भगवान काल रंजन अल्लाह भाट उनकी भक्ति है। और इसमें भी मन 75% चेतन हो, और वो उसी तरह मूल सुरती में रेस्ट करता है, 25% बाहर है, आत्मा आजाद हो गई आपकी, 75% आजाद, बहुत बड़ी बात है। और 75 से वही कहा एथेरियल बॉडी आपको मिलती है, एक कारण शरीर आपको मिलता है, और उस शरीर में जो है एक लिंग तन भी इसको बोलते हैं, उस तन में आप यात्राएं करते हैं। तो ये अवस्था पहले से अच्छी, क्योंकि इसमें, उसमें शिव भगवान का निवास है, इसमें ब्रह्म, ब्रह्मा जी का वास है, देवता इसके ब्रह्मा है, और उनके अंडर ही ये चलता है। और यहां पर भी जो चाल आपको मिलती है वो पपीली मिलती है, सेम जो वहां मिली वही चीज यहां मिलती है आपको। कंसंट्रेशन सेम है, चीज जो मिली सेम है, और त्रिकुटी यहां ध्यान करना पड़ता है। सुषुम्ना से आपको त्रिकुटी में, जहां आप टीका लगाते वह जाना, इसका तिल त्रिकुटी, त्रिकुटी में आपको पहुंचना पड़ेगा, और वहां पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। जितने भी जो देवी देवता है, 3 देवताओं को छोड़ के बाकी जो 33 करोड़ देवी देवता है वो इस अवस्था में रहते हैं।
सिद्ध लोग हैं, योगी लोग से, वो इन अवस्थाओं में कोई चाचरी में है और कोई भूचरी में है, इन अवस्थाओं में रहते हैं, ध्यान करते हैं और इस तरह से ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं, चाल से मिलती है। तो जो लोक लोकांतर आप देखते हो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। आप बलपुर भी जा सकते हो, राम जी के लोग भी जा सकते हो, वो लोग जा सकते हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर लोक में जाने के लिए वो विधि, जैसे अगर आप भरपुर जाते तो आपका लगाव राम जी से होना चाहिए, ये नहीं है कि आपको लगाव ही नहीं था आपको वो, वहां हनुमान जी मौजूद है, जहां राम तहां हनुमान, ये सब होता तो रूप देते हैं, ये सब ओंकार की निरंकार की ही लीला है। तो वहां पर भी मंदिर है, भरपुर में एक जैसे एक पहाड़ी सी है, वो पहाड़ी ये नहीं कि ये धरती की तरह, हाँ वहां ये जो ये लोग हैं वो ऑलमोस्ट काफी चीजें उनकी धरती से मिलती है, बिल्कुल देखा मैंने, जैसे शिवलिंग वहां देखा, प्लांट्स भी देखे, तो धरती की चीजें हैं। लेकिन आपको कुछ वहां यत्न नहीं करना है, आपको कोई खाने छाने नहीं पकाने हैं खाने के लिए, वह आपको खुद ही मिलता है, आप बस बैठ जाओ, ध्यान करो, चीज आपके पास आ जाएगी, जिस चीज की मांग होगी तो आपके पास आ जाएगी, उसका रूहानियत है उसके साथ आपके पास चीज पहुंच जाती है। अभी देखो मोबाइल पे मैं देखा और मुझे थोड़ा लगा कि देखो आप साइंस कितनी उन्नति कर गई, आप बाहर मुख से बोलो तो आपका मोबाइल फटाफट वो लिख लेता है, और अगर आपने एडजस्ट किया है उसको ठीक ढंग से तो वो अगर हिंदी में बोला तो इंग्लिश भी लिख देता है, इंग्लिश में बोला तो हिंदी भी लिख देता है, इसका मतलब बाकी भी जो लैंग्वेजेस है वो लिख देता होगा, तो लिखता हो तो कितनी सी बात आपने बोला और हुआ। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में भक्ति से सब कुछ है, इसलिए कहा नहीं ये तुरीयावस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी जो खोजें होती हैं ये तुरीयावस्था में होती है। जैसे आजकल कोरोना के मेडिसिन के लिए उसकी के लिए सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन हम संतों की बात नहीं कोई सुनता क्योंकि उसका युग नहीं। आप मेडिसिन को ढूंढते हो, उसकी वैक्सीन को ढूंढते हो, बहुत अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं इतनी मेडिसिन, लेकिन जो शब्द हमारे पास होता उसकी ज्यादा ताकत। मैंने दिया है अपने YouTube में सतगुरु सतनाम सतसाहिब, ये ओपन किया है सतपुरुष के आगे से, ये वो शब्द नहीं जो हम देते हैं सुरती में, वो अलग है, ये अलग है, इससे हम एक दूसरे को संगत बनाती है। तो ये शब्द भी अगर आप पकड़ लो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके सामने ठीक बैठा हूँ, सब कुछ हूँ, बाडली में ये हूँ ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं अंदर से बड़ा एनर्जेटिक हूँ क्योंकि एक योगिक हूँ, और योग के साथ में मेरे पास शब्द दो शब्द है, सुरत शब्द और सार शब्द, वो विदेश शब्द है और बड़ी शक्तिशाली, मैं उन्हीं में रहता हूँ, और मेरी सुषुम्ना हर समय सब रहे, हर समय में ध्यान में जब सोया हुआ भी उठने लगता हूं तो इसको पहले चेक करता हूं, आदत सी है कि तुम सामो नहीं हो तो उसी समय सम करता, आज रात को चेक किया तो सम नहीं थी, बहुत अरसे के बाद ये सम नहीं थी, पहली बार बहुत अरसे कई कई महीनों के बाद तो मैंने इसे सम किया उसी समय। तो ये विधि होती है संतों के पास किस तरह से सम करने, शुरू शुरू में जो हम सिखाते हैं उसमें तो पानी का इस्तेमाल आपको साथ करना पड़ता है, उससे बड़ा बलगम आपका निकलता है, और कई बार आधी आधी कोली आपके अंदर बलगम होता है, बलगम ही सब बीमारी करता है, और आपको पता है कि बलगम सारा जो आपके अंदर है ये फिल्म बड़ा खराब है, ये बीमारियों की जड़ है, इसे नहीं तो आप अंदर लेते रहते तो अंदर वो ये किस्म का जहर ही बनता है ना, और क्या है, इसे बाहर थूकने के बजाय आप अंदर ले लेते हो तो अंदर लेने से तो वो अंदर बीमारी बनाएगा, अच्छी चीज थोड़ी। इसलिए
हमारे पास ये शब्द है जो कि इसको बनने में बड़ी कमी बनाते हैं, और जो कमी होती है वो हम सुबह साफ कर लेते हैं। हम साफ करते हैं पूरी तरह से, हमारे पास विधि, हम बलगम को साफ कर देते हैं और फिर ही ध्यान। बलगम है तो ध्यान में जाया ही नहीं जा सकता। आपकी सबसे बड़ी सुषुम्ना सम होती तब है जब आपके अंदर बलगम नहीं रहा, तब सुषुम्ना सम होती, नहीं तो होती। कई लोग कहते हैं हमें बैठ बोल जाता ही, तो उनके लिए हमारे तो इस तरह से दोनों चीजों की तरफ चलना चाहिए। आप संतों के भी चीज का इस्तेमाल करो और मेडिसिन का भी करो, जो फल दे दे अच्छी बात, ना दे उसे छोड़ दो, हम फल कहते हैं। लेकिन मैं अपने साथ अपनाता हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक रहता हूं। मुझे याद है जब से मुझे ये दाद मिली है, मुझे बैड कोल्ड कभी नहीं हुआ, और क्या सबूत दूं। मुझे कभी मेरी सत्संग ने बैड कोल्ड में नहीं देखा, और कोई मेडिसिन भी मैं नहीं खाता, किसी किस्म की मैं मेडिसिन नहीं लेता। अगर मुझे कैंसर भी हो जाता है तो मैं मेडिसिन नहीं खाता, बाबू मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। मैंने अपनी बॉडी को मेडिसिन फ्री किया हूं, हल्की से हल्की भी मेडिसिन नहीं लेता। मैं इवन फीवर की मेडिसिन भी नहीं लेता, कोई मेडिसिन नहीं खाता। मैं अपने शब्दों का प्रयोग करता हूं और खाना भी बहुत थोड़ा खाता, एट ए टाइम दो चपाती खाता, दो से ज्यादा नहीं खा। इसलिए मेरा आपसे कहना है, जो संतों के पास शब्द होता है बड़े शक्तिशाली, क्योंकि उसमें सत्पुरुष आप होते। अब उससे बड़ी शक्ति कौन से संसार में होगी। इसीलिए तो कहा आपने मालिक पे विश्वास छोड़ दिया और भौतिक चीजों पे विश्वास पूर्ण डाल दिया, ये अडंबना हो गई, ये बाधा है। हम कहते हैं दोनों पे चलो, दोनों को अपनाओ, दोनों का प्रयोग करो। फिर देखो हमने तो अपने पे करके तो आपके बोल रहे होंगे, मेरी पूरी संगत से पूछ लो कभी उन्होंने मुझे बीमार देखा। ये 9वां साल इस दांत को मिले हुए मुझे हो गया, सतपुरुष से मिलना हो गया। सतपुरुष से कौन गंदा मिलेगा, सतपुरुष खुद प्योर है, प्योर जो हंसा रूप है, पूर्ण पुंज है, और फिर जिससे मिलेंगे वो भी तो वैसा होना चाहिए, तो मिलेंगे ना। वो पहले बनाते हैं और फिर मिलते हैं, बनाने से पहले मिलते ही नहीं। निरंकार भी उसमें सहायक होते हैं, मेरे को बनाने में दोनों का बड़ा सहयोग। 50 साल तो लगे उनको मुझे बनाने, 50 साल जीवन के ये भगवान भी मुझे बनाते रहे, गढ़ते रहे, और सतपुरुष इंतजार करते। जो इनके पास था इन्होंने गढ़ के उनको सौंप दिया, फिर उन्होंने गढ़ा तो आपके पास बैठा। और सबसे बड़ा ये आपकी सुषुम्ना है, मैं बोलता हूं सब बीमारियां यहां से लगती, ये नाक सबका, सब बीमारियों की जड़। उसके बाद आता है मौत, और उसके बाद आम नोस। इसलिए मैं हर बीमारी से बचा हूं, कोई बीमारी मुझे नहीं आके सताती। जो लगी थी वो भी बड़ी बड़ी बीमारियां शुरू में, जब पहले इस 9 साल से पहले की बात है, मुझे चली गई, इवन कैंसर तक चला गया। तो चलो आपके अपने मानने के ऊपर, आप जैसे चलते सुंदर है। उसके बाद गोचरी के बाद अगोचरी मुद्रा आती है, ये बहुत उत्तम है। शास्त्रीय गोचरी से बहुत आगे की अवस्था है। इसलिए कहते हैं अगर किसी ने चाचरी पाई तो उसको आगे जाना चाहिए, वो गोचरी में जाए और बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। मैं बड़ी जल्दी ये सारी विधियों को पार करा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। जो आपके पास सामने गदा भाई बैठे है ना, सारी मुद्राओं को पा के सैन मार्ग को पाया है, सत शब्द उसके बाद में।
निरंकार को भी पाया, उनके दर्शन भी किए, उनके लोग सब कुछ पाया, सभी देवी देवता उनके दर्शन किए, शिव जी से मैं मिला, विष्णु जी के मैंने दर्शन किए, ब्रह्मा जी के मैंने दर्शन किए। तो भूषणी मुद्रा स्वांग शब्द का उच्चारण किया जाता है, बड़ा प्यार है। और जो इसका तत्व है वो है एयर। अब आपके इस अवस्था में पहुंच के दोनों तत्व चले, जैसे भूचरी में जो आया उसका अग्नि तत्व चला गया, अब जो अगोचरी में आया उसके अग्नि तत्व भी चला गया और पानी तत्व भी चला गया, वो दो से आजाद हो गया। अब उसके पास स्थूल और सूक्ष्म तो पहले ही चले जाते हैं, जब पहली अवस्था में आते तो वो छूट जाते, उनका संबंध तभी वो डेड हो जाते हैं, जब आप बॉडी से निकलते वो डेड हो जाते, उन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया, उन्होंने अपना समर्पण कर दिया आपके पास। और उन दो के उनके जाने से आप फायर को भी छोड़ दिया, पानी को भी, अग्नि को भी छोड़ दिया, पानी को भी छोड़ दिया और आप पवन में आ गए। देखा कितनी ऊंची है, तो उसी तरह से अवस्था भी बड़ी ऊंची है। और इस अवस्था को पाने वाले सुखदेव जी, सुखदेव जी ने इस अवस्था को पाया, वेद व्यास जी के बेटे उन्होंने पाया इस अवस्था। देखा कितनी सुंदर अवस्था है, भूषणी मुद्रा वेद व्यास जी ने पाई और सुखदेव ने अगोचरी मुद्रा पाई। राजा जनक के ये शिष्य थे, राजा जनक तो आगे उन्मुनि मुद्रा में राजा जनक है और सुखदेव जी गुरु से अपने से पीछे हैं। तो इस अवस्था में जब आप पहुंचते हो तो बड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप 95% मन चेतन हो जाते हैं, ओंकार भगवान ये गॉड अल्लाह ईश्वर आपको 95% चेतना दे देता है, किसकी, मन की। तो आपको पता, मैंने बता दिया 91% आप चेतन हुए तो क्या हुआ, वो चेतना मूल सुरती के पास रेस्ट करने लगे। अब आत्मा आपकी 95% अपने आप चेतन, वह ही चेतन आजाद हो गई, मन से आजाद हो गई 95%। आप ये भक्तियां नहीं चाहोगे है, ये नहीं चाहोगे तुम, बाबा इससे भी उत्तम लेके आया वहां, ये समझाऊंगा तो वहां तक ले जाऊंगा ना, कायदा पहली पढ़ते जाओगे तो आगे जाओगे, सीधा टेंथ में कैसे बैठोगे, ऐसा तो होता नहीं, चाहे कितना भी यत्न कर लो, हर क्लास आपको पास करनी पड़ती है, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है, ये काम चलाकी से तो होने वाला नहीं। तो इसलिए बोला गोरखनाथ जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, योगेश्वर, गौतंती की संसार, लेकिन लोगों ने इनको कोई इनकी ही भक्ति शुरू कर दी, बाबा ये अटक जो चले गए तुम उन्हीं को पकड़ के बैठ जाते हो ना, ये कोई भक्ति थोड़ा है, तुम क्यों नहीं करते, उन्होंने करी तुम क्यों नहीं करते। आज तो बहुत सुविधाएं हैं, जब उन्होंने भक्ति करी तो सुविधाएं भी नहीं थी, गुर्बत भी ज्यादा थी, आज तो हर इंसान बड़े आराम, लेकिन हमारा मजदूर तबका बड़ी परेशानी, इस समय लोअर तबका ये दर्जी कारपेंटर आदि बेचारे बड़ी परेशानी, अब कब लॉकडाउन खुले तो वो बेचारे कामों को करें और रोटी खाएं। अब तो वो लोग भी जिनके घरों में काम करते थे अब वहां वहां पहुंच रहे हैं कि हमारी मदद करो हमें।